हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और यार आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि आपको पता है स्कूल में टेस्ट आने वाले हैं और शुरुआत के दो चैप्टर तो सबके ही आ रहे होंगे ठीक है तो आज हम लोग रियल नंबर और पोरिन के टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन करेंगे दस रियल नंबर के दस पोरिन के उनमें से पक्का उसी टाइप का को कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा यह डायरेक्ट वही आ जाएगा ठीक है तो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए जिसमें एनसीआरटी एग्जाम्पलर और आरडी के कुछ क्वेश्चन कवर हैं ठीक है और आपको वो क्वेश्चन जरूर करने हैं ठीक है थीके? कुछ क्वेश्चन तो सेट होते हैं जैसे अगर बात करें रियल नंबर में रूट थ्री है तो वो तो मैं नहीं करवाऊंगा वो तो आपको पता है आपने प्रीवियस लेक्चर में देख भी लिया होगा अच्छा अब मैंने बात करी प्रीवियस लेक्चर की तो मैं ये बता दूं कि हमने आपके लिए प्ले बना रखी है तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना यार जैसे ये प्ले है तपस्या सीरीज आप प्ले में जाना तपस्या सीरीज मैथ्स का ठीक है तो आपके लिए मैंने शुरुआत से रियल नंबर का सब कुछ करवा रखा है बेसिक कॉन्सर्ट फिर रियल नंबर पे क्वेश्चन सब कुछ है तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है रूट थ्री रेस नंबर वो तो ऑलरेडी आपने कर रखा होगा नहीं किया तो यार इस सीरीज को फॉलो करने ना मिल जाएगा ठीक है हम उनके अलावा क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े अलग होंगे जो हमने नहीं किए होंगे ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आई होप आप इस सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे और बढ़िया से कॉपी पेन निकाल लो और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करो चलिए पहला क्वेश्चन है एस आपको यहां पे एस गिवन है ठीक है और uh, 117 का हमें की आउट करनी है इस क्वेश्चन में तो तो देखो सबसे पहले बोला है, 65, 117, expressible in the form this. तो इसका मतलब पहले आपको एस सी एफ निकालना पड़ेगा फिर उसको इस फॉर्म में लिखना है तो चलिए पहले एस सी एफ निकाल लेते हैं एस सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं किसका सिक्सटी फाइव और वन वन सेवन का तो पहले हम एस निकाल लेते हैं तो कैसे आएगा 65 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 65 पहले किससे जाएगा 5 से गया 13 आ जाएगा फिर 13 से चला जाएगा तो यानी 5 इंटू थर्टीन है अगर 117 की बात करें तो 117 के प्राइम फैक्टर करोगे अगर आप तो ये 9 से जाएगा तो ये 13 आ जाएगा समझ हो और 13, तो ये 9 इंटू थर्टीन है तो क्या हमें इसका एस जो है वो थर्टीन मिल गया अब आपसे यही तो बोला था इस क्वेश्चन में कि जो एस है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो एम बताना है यानी ये थर्टीन की बात कर रहे है। तो थर्टीन लिखा हुआ है कितना सिक्सटी फाइव एम माइनस का वन वन सेवन आए समझ में इसको इधर कर दो तो थर्टीन के साथ वन वन सेवन एड हो जाएगा सिक्सटी फाइव एम आ जाएगा तो ये ऐड करोगे तो 130 आ जाएगा सिक्सटी फाइव एम सिक्सटी से डिवाइड कर दो तो एम आ जाएगा 130 थर्टी अपॉन सिक्सटी फाइव वन थर्टी अपॉन सिक्सटी यानी 2 के बराबर तो बी कितना आ जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो क्लियर so, क्या किया इस क्वेश्चन में हमने एस सी एफ फाइंड आउट कर लिया और एस सी एफ को इक्वल कर दिया इस वाली कंडीशन के ठीक है और यहां से आपको रिजल्ट मिल गया क्लियर सबको बढ़िया से बहुत बढ़िया अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बोले लार्जेस्ट नंबर बताओ विच डिड दिस दिस रिमाइंडर एंड सबसे पहले तो ये बच्चों को क्या है कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि सर ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस सी एफ लेलसीएम तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें पढ़ते टाइम ये फील हो जाए कि न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो समझ जाना एलसीएम और क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये फील हो जाए कि तुम्हें डिनोमिनेटर निकालना है तो समझ जाना एस सी एफ कितना सिंपल तरीका है अगर तुम्हें लैंग्वेज पढ़ते टाइम ये समझ में आ जाए कि तुम्हें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो एल सी एम और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है तो एस सी एफ इतनी सिंपल सी बात है तो अगर तुम्हें ये चीज समझ में आती है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है तो इसका मतलब ये है

तो चलो इतना तो पता लग गया इस क्वेश्चन में एस सी एफ अगर आपको यहां तक ये चीज समझ में आ रही है और बहुत बढ़िया ट्रिक समझ में आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो जिससे आपके सपोर्ट से मुझे पता लगे कि आपकी हेल्प हुई है ठीक है चलो तो इतनी मैंने हेल्प कर दी इसमें अब ये पता लग गया एस सी लेना है लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दो नंबर है और उसके रिमाइंडर भी दे रखे हैं तो पहले आपको नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करना होगा फिर एस लेना होगा तो सेवेंटी में फाइव को माइनस करेंगे तो सिक्सटी होगा और 125 में अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो 117 होगा तो अब आपको जो आंसर निकालना है लार्जेस्ट नंबर तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा वो हो जाएगा क्या एस ऑफ किसका? 65 और 117 का 65 और 117 का एस तो यार 65 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 5 इंटू और 117 का क्या होता है नाइन इंटू थर्टीन ठीक है तो ये हो गया तो थर्टीन कॉमन है इसका क्या आ जाएगा थर्टीन तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए पार्ट ठीक है फिर सुन लो मेरी बात मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं जो बहुत कॉमन है और आपने कर रखे होंगे एनसीआरडी लेवल के जैसे रूट थ्री इेशनल नंबर है ये प्रूव करो फाइव प्लस रूट थ्री इंटरनेशनल नंबर है यह प्रूव करो ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं आप वो तपस्या सीरीज देख लेना वो चीजें वहां से कवर हो जाएंगी मैं यहां पे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं एमसीयू में पूछ लेंगे वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ लेंगे सर इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ पेपर में ज्यादा पूछते ट्रिकी होते हैं बच्चे परेशान होते हैं ठीक है उस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या लिखा है टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी ए गिवन है बी गिवन है और हमें एस सी एफ निकालना है क्या निकालना है हमें एस सी एफ फाइंड आउट करना है तो अगर आपके पास ए है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और बी आपके पास गेवेन एक्स इंटू वाई क्यूब ठीक है एवेन ने एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी गेवेन है एक्स वाई क्यूब तो अगर आपको एस सी एफ फाइंड आउट करना है ए बी का क्या फाइंड करना है एस सी एफ ए कौमा बी का फाइंड आउट करना है एस सी एफ ए कौमा बी का तो क्या होगा आप ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है तो एक तो एक्स कॉमन दिख रहा है एक तो वाई कॉमन दिख रहा है और इनकी छोटी पावर लेनी होती है एस में छोटी वाली पावर एलसीएफ में बड़ी वाली पावर तो एस है तो कॉमन तो ले लिया छोटी पावर क्या है इधर एक्स की पावर वन है, थ्री है तो छोटी पावर तो वन हुई यहां वाई की पावर टू ए थ्री तो छोटी पावर टू ही तो आंसर क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर यानी कि बी पार्ट क्लियर सबको समझ में आ गया तो इसका आंसर हुआ पार्ट, आई होप आप समझ रहे होंगे तो एससीएफ में क्या होता है कॉमन देखो और छोटी पावर देख लो ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और एक नंबर है हमारा पी ए बी स्क्वायर और क्यू हमारा है ए बी ठीक है ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है और इसमें आपको एलसीएम निकालना है तो यार एलसीएम का जितने भी डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं वो सब लिख दो जैसे ए दिख रहा है और बी दिख रहा है तो भैया ए लिख दो और बी लिख दो एलसीएम में आपको हाइस्ट पावर लेनी होती है बड़ी वाली पावर तो यहां पर थ्री थ्री तो आंसर आएगा तो ए तो 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 क्यूब बी स्क्वायर कौन सा ऑप्शन सी पार्ट समझ में आया तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आई होप आपको एस सी एफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो ऐसा अब देखो इसमें वो ट्रिक काम आएगी कि मैंने बताया था ना न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो एस और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है तो एल तो यहां पे वो ट्रिक काम आ जाएगी कैसे बोला लीस्ट नंबर बताओ दैट इज डिविजिबल वाई ऑल द नंबर्स वन टू टेन यानी एक नंबर लीस्ट नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो वन से लेके टेन तक के नंबर से तो कौन सा नंबर पता करना है क्या इसमें करना है न्यूमरेटर तो मतलब, तो मतलब, लगे तो यानी एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर लगे तो एलसीएम लेना है ठीक है कितना बढ़िया लॉजिक तो अगर ये लॉजिक आपको पकड़ में आ गया तो यार क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा आपके लिए ठीक है तो यहां पे क्या करना है जरा देख लेते हैं तो बोला लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर फ्रॉम टू टेन बोथ इनक्लूसिव इज ठीक है लीस्ट नंबर बताना है जो डिविजिबल हो ऑल नंबर से वन से लेके टेन तक ठीक है तो एक काम करते हैं हमें एलसीएम लेना है इस क्वेश्चन का वही आंसर हो किस किस का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन सारे नंबर्स का हमें लेना है एलसीएम तो चलिए लेते हैं अब वन तो देखो वन ही रहेगा टू का देखो टू आ जाएगा थ्री का थ्री रहेगा प्राइम फैक्टर है फोर का टू इंटू टू रहेगा यानी कि टू का स्क्वायर फाइव में फाइव रहेगा सिक्स में टू इंटू थ्री आएगा सेवन का सेवन ही रहेगा एट का टू की पावर थ्री आ जाएगा एट नाइन का क्या आएगा थ्री इंटू थ्री यानी थ्री का स्क्वायर आएगा और टेन लास्ट वाले क्या आ जाएगा टू इंटू फाइव आ जाएगा लास्ट का क्या आ गया टू इंटू फाइव

अब इनकी तुम्हें लेनी हाइएस्ट पावर तो भैया टू की हाइएस्ट पावर देखो यहां पर थ्री है टू की पावर थ्री तो थ्री इधर हाइएस्ट पावर हो गई थ्री की हाइएस्ट पावर कहां वन है इधर टू है तो टू है इसमें हाइएस्ट पावर फाइव की पावर तो देखो वन ही है टू इंटू फाइव वन हुआ सेवन में भी वन ही है ठीक है तो बस इनको मल्टीप्लाई कर लो तो एट इंटू नाइन इंटू फाइव इंटू सेवन एट नाइन जैसे फाइव इंटू सेवन थर्टी फाइव इनको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं फाइव टू जन वन कैरी थर्टी सिक्स इंटू थ्री से करेंगे 6, और 21. तो क्या ये आ रहा है तो इसका आंसर आ गया डी पार्ट समझ में आया तो इसमें आपको वन से लेकर टेन तक के जो नंबर हैं उनका आपको एलसीएम लेना था क्या लेना था एलसीएम आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई हो नेक्स्ट है कैन टू नंबर एटीन देयर एस सी एफ एंड थ्री एटी एस दियर एलसी क्या मतलब एटीन इसमें एस सी एफ होगा मतलब इसमें सीधा से ये पूछा है क्या दो नंबर का कभी भी उनका एटीन एस सी एफ और थ्री एट्टी एलसीएम हो सकता है क्या ये पूछ रहा है ठीक है तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना है क्या एलसीएम इज ऑलवेज एल्सियम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एस मल्टीपल ऑफ एल्सियम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एस यानी हम ये कह सकते हैं कि एल्सियम अपॉन एस जो है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आना चाहिए क्या आना चाहिए भाई सीधी बात है कोई किसी का मल्टीपल होगा जैसे मैं कहूं नाइन जो है वो थ्री का मल्टीपल है तो नाइन अपॉन थ्री करो तो कितना आ गया थ्री आ गया थ्री कैसी है इंटीजर वैल्यू है तो हम ये एक प्रॉपर्टी डिफाइन दि, दि, कर सकते हैं कि हमेशा एलसीएम जो होता है वो एससीएफ का मल्टीपल होता है तो अगर डिवाइड करके देखो तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी जैसे मैं कहूं दो नंबर है तो नाइन जो है वो थ्री का मल्टीपल है तो नाइन अपॉन थ्री करोगे थ्री आया थ्री एक इंटीजर वैल्यू है ठीक है तो ऐसी अगर इसमें अगर आपके पास एलसीएम अपॉन एससी वर्क करें हम इसमें एलसीएम बोला है थ्री है एस सी बोला 18 है टू से कट रहा है तो ये वन नाइनटी आ जाएगा और ये नाइन आ जाएगा टू से काट दिया नाइन टू या थर्टी होता है तो 190 और नाइन टू या एटीन टेन आएगा तो फिर नाइन वन या नाइन फिर वन आएगा पॉइंट लेना पड़ेगा जीरो फिर वन टाइम जाएगा नाइन फिर वन आएगा जीरो फिर वन टाइम मतलब तो ये इंटीजर तो है नहीं दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीजर तो आपसे पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता तो आपका आंसर हो जाएगा नो no, और जस्टिफिकेशन में ये लिख दोगे ठीक है कि हियर इन दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन एलसीएम इज नॉट एलसीएम इज नॉट मल्टीपल ऑफ एलसीएम इज नॉट मल्टीपल ऑफ एस ठीक है एलसीएम जो है वो एस मतलब एलसीएम जो है वो एस का मल्टीपल नहीं है सो इट इज नॉट पॉसिबल सो इट इज नॉट पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है आएस में इस तरीके से पेपर में आप एक्सप्लेनेशन कर दोगे आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे तो ये एनसीआर एग्जामिनर का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है पेपर में पूछते भी हैं है. समझ में आया नोट कर लीजिए अच्छे से और अच्छा हाँ अभी इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी भी लाइक नहीं करोगे ना कसम से सही रहा हूं ठीक है <laughs> आपका भला ही चाहूंगा ठीक है लाइक कर देना अभी ठीक है चलो देखो अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो दैट ट्वेल्व की पावर एन कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो और फाइव देखो जीरो कब आता है और फाइव कब आता है समझ लो जीरो जब आता है जब टू इंटू फाइव होता है तब ये जीरो आ जाता है टेन बन जाता है जीरो आता है और कभी नहीं आता है और फाइव मिलता है तभी जीरो जीरो ट्वेंटी फाइब, फाइब हो तो आ जाएगा तो यहां पर अगर हम ट्वेल्व को देखें तो ट्वेल्व का प्राइम फैक्टर क्या होता है टू इंटू टू इंटू थ्री करो जरा ट्वेल्व की प्राइम फैक्टर टू से गया तो सिक्स फिर टू से गया थ्री फिर थ्री से वन तो यही तो आएगा तो इसका मतलब ये इतना आ गया तो ना तो इसमें टू इंटू फाइव का कॉम्बिनेशन है जिससे जीरो आ जाए ना इसमें फाइव है इसमें है कहीं तो कभी फाइव भी नहीं आएगा तो लिखोगे कैसे प्राइम पेपर में तो क्या लिखोगे इन द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टर ऑफ ट्वेल्व इन द प्राइम फैक्टर ऑफ ट्वेल्व नाइदर प्रोडक्ट ऑफ टू into टू फाइव टू एंड फाइव और मतलब ऐसे ले दो इन द पेम फिट ट्वेल्व प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एंड फाइव डज नॉट अकर प्रोडक्ट ऑफ टू एंड फाइव डज नॉट अकर मतलब दो टू और फाइव आने के लिए जीरो चाहिए ठीक है एंड यूनिट डिजिट एंड यूनिट डिजिट इज नॉट नंबर फाइव तो क्या क्या हो गया देखो हमें पता था अगर जीरो लाना है तो टू और फाइव चाहिए तो इसमें प्राइम फैक्ट्रेशन ऑफ ट्वेल्व में ना तो टू एंड फाइव है उनका प्रोडक्ट नहीं हो रहा है एंड यूनिट डिजिट इज नॉट नंबर फाइव यूनिट नंबर फाइव भी नहीं है जिससे कि एंड में फाइव आ जाए तो भाई ये सारे कंक्लूजन से ये पता लगता है इट कैन नॉट इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो और फाइव बस लास्ट में एक लाइन और एड कर देना बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ठीक है ये जरूर एंड कर दें लास्ट में वाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ

इसका मतलब इट कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो और फाइव वाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ थियोर ये लिख देते हो तो टीचर पता चल जाता तुमने पढ़ाई की है क्लास में ऐसे नहीं हो तुम में ठीक है में तो इस तरीके से लिखोगे इस टाइप क्वेश्चन पेपर कभी कभी ज्यादातर वाला आ जाता है तो जीरो वाले में सिर्फ इतना लिखना प्रोडक्ट ऑफ तो टू एंड फाइव डज नॉट है बस ये लाइन मत लिखना फाइव वाला कभी कभी आता है तो जीरो वाला अगर आए तो उसमें यहां से यहां तक लिखना और फिर लिख देना इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो

कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो एनसीआरटी में नहीं है मतलब आपको थोड़ा अप्रोच डेवलप करवाना क्या लिखा ऑन अ मॉर्निंग वॉक थ्री पर्सन स्टेप ऑफ टूगेदर एंड देयर स्टेप मेजरमेंट फोर्टी सेंटीमीटर फोर्टी टू सेंटीमीटर और फोर्टी फाइव सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड वॉक सो दैट दे कैन ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप सेम डिस्टेंस ठीक है एक बताओ एक बंदा इतना स्टेप ले रहा एक बंदा इतने स्टेप ले रहा है एक बंदा इतने स्टेप। अगर इनको अपने स्टेप बराबर करने हैं तो क्या इन दोनों के 40 स्टेप होंगे मतलब छोटा वाला नंबर तो क्या कभी बराबर हो पाएगा भाई तो ये मिनिमम बयालीस स्टेप ले रहा है मिनिमम ले रहा है ठीक है ये फोर्टी तो जब स्टेप बराबर करने हैं जैसे इसको है समझो एक नंबर टू है एक नंबर थ्री छोटे नंबर समझो अगर मुझे एक ऐसे नंबर तक पहुंचना है जो इन दोनों में कॉमन हो अब समझो दिमाग लगा दोनों में कॉमन हो तो क्या आप एल्सियम लोग टू में भी आ जाएगा और six में three में भी आ जाएगा तो अगर आपको ऐसा स्टेप बताना मिनिमम डिस्टेंस ईज शुड वर्क सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस यानी सेम आ जाए मतलब तो इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिक्स बन जाएगा टू से मल्टीप्लाई करोगे सिक्स तो ये दोनों बराबर तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे तो यानी कि आपको एक बड़ा नंबर चाहिए बड़ा नंबर मतलब यहां पे एलसीएम ठीक है आपको देखो एक तो हुआ मैंने वहां पे ट्रिक बताई आपको कि अगर आपको क्वेश्चन में पढ़ते टाइम यह पता लग जाए न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो एलसीएम डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है तो एल लेकिन अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाए तो लैंग्वेज पढ़ना और अगर आपको यह समझ में आता है कि अगर जो गिविन नंबर से उससे बड़ी वैल्यू आएगी आंसर ठीक है फील हो जाए ऐसा

ठीक है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे अभी जो आंसर आएगा तो चलिए 40 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं फिर हम 42 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे और फिर 45 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो अगर मैं यहां पे 40 के प्राइम फैक्टर करूं पहले तो 2 से डिवाइड करा 20 2 से डिवाइड करा 10 2 से डिवाइड करा 5 फिर 5। तो यहां पर आ गया 2 की पावर 3 इंटू फाइव फोर्टी के प्राइम फैक्टर करें फोर्टी तो टू का प्राइम फैक्टर करा 2, 21, 3, 7, 7, 1. तो तो ये हो गया 2 into 3 into 7. 45 के करेंगे अगर हम फोर्टी फाइव का थ्री से जाएगा पहले तो फिफ्टीन आएगा फिर थ्री से जाएगा फाइव आएगा फिर फाइव यानी थ्री का स्क्वायर इंटू फाइव ही तो आएगा तो अब अगर हमने प्राइम फैक्टर कर लिए तो एलसीएम कैसे निकालते हो आप एलसीएम कैसे आता है टू की हाईएस्ट पावर कितनी है थ्री थ्री की हाईएस्ट पावर कितनी है टू फिर फाइव और सेवन यही तो है तो ये एट इंटू नाइन इंटू फाइव इंटू सेवन तो ये सेवन टू इंटू थर्टी फाइव सर से अभी मल्टीप्लाई किया था हमने ना टू फाइव टू जीरो आया था ना इसका आंसर तो ये आ गया जीरो सिक्स ये आ गया सिक्स और ट्वेंटी वन हाँ तो टू फाइव टू जीरो आ जाएगा तो इसका एलसीएम आ गया टू फाइव टू जीरो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा कितना डिस्टेंस कवर करना है इतनी डिस्टेंस कवर करनी ये, तो ये, ये, अच्छा, ये, ये कर लेते हैं एक तो आपको ये समझ में आ गया कि बड़ा नंबर पता करना है एलसीएम तो लेना है इसको पढ़ो डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या लेना है ठीक है अच्छा अगर आपको अभी तक कंटेंट uh, बहुत अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन बताना आपको किस चैप्टर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है किस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको चाहिए किस मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ वैल्यूएल कंटेंट है यार अगर ऐसा कंटेंट मिलेगा तो बढ़िया रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है चलो इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द इन हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स इतने इतने मतलब आपको पार्टिसिपेंट्स दे रखे हैं हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हैं सिक्सटी इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स हैं कितने 84 और मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट कितने हैं 108 हिंदी के पार्टिसिपेंट्स ये हैं इंग्लिश के ये हैं और मैथमेटिक्स के ये हैं रिस्पेक्टिवली ठीक है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हैं ठीक है

पार्टिसिपेंट्स को बराबर बराबर रूम में रखना है मतलब एक रूम में बराबर बराबर पार्टिसिपेंट चाहिए पहली चीज ऑल बींग इन द सेम सब्जेक्ट ठीक है और यह भी कहा गया कि जो रूम में बैठाओगे तो जैसे हिंदी वाले में हिंदी बैठेंगे मतलब हिंदी वाली होना चाहिए मतलब एक रूम में ऐसा नहीं चाहिए कि मैथ भी जा रहा है हिंदी भी जा रहा है इंग्लिश भी जा रहा है नहीं एक रूम में मैथ्स वाली होनी चाहिए एक मतलब रूम मतलब सेपरेटली भी है और हिंदी के अलग है और इंग्लिश के अलग है मैथ्स के अलग है इतनी सारी बातें बोली गई हैं अब आप बताओ इसमें लैंग्वेज पढ़ने से तुम्हें क्या लगता है कि रूम में जो पार्टिसिपेंट होंगे इन नंबर से ज्यादा होंगे या एक रूम में इन नंबर से कम आएगा लगाओ दिमाग अगर मुझे इतने पार्टिसिपेंट को बैठाना है बहुत सारे रूम में ठीक है और हर रूम में बराबर बराबर पार्टिसिपेंट चाहिए तो मैं इससे एक बड़े नंबर को डाल दूंगा एक रूम में या फिर कोई एक छोटा नंबर होगा जिसके थ्रू हम सबको रूम में बिठा देंगे अब आपके माइंड में आ रहा होगा सोच के देखो तुम्हारे पास सौ दो सो लोग सामने खड़े हुए हैं और तुम्हारे पास रूम इधर रखे हुए हैं तुम बुला रहे हो लोगों को आ जाओ बेटा इधर आ जाओ सब लोग इस रूम में आ जाओ तो क्या बोलोगे अब ऐसा तो नहीं 120 लोग खड़े हैं 100 खड़े सबको भर दोगे एक में नहीं बोलोगे ऐसा करो 10 लोग आ जाओ इस रूम में चले जाओ आ जाओ दस लोग फिर आ जाओ उस रूम में चले जाओ छोटा नंबर है ना छोटा नंबर बात समझ आ रही नहीं आ रही है एस लेना है छोटा नंबर मतलब छोटा नंबर मतलब

तो मैं ऐसी समझ में आएगा सोच के देखो विजुलाइज करो कि अगर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उनको रूम में बैठाओगे तो क्या होगा एक छोटा नंबर होगा जो भी गिवन नंबर्स होंगे उनको तुम सेट करोगे समझ रहे है? ले हैं तो यानी पहले मुझे एस निकालना होगा किसका सिक्सटी का एट्टी का वन का तो भाई पहले तो मुझे अच्छा इस वाली इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी एक मेरा मैथ्स का ऑफिशियल टेलीग्राम है और एक क्लास नाइन टेंथ है तो क्लास नाइन टेंथ पे भी मिल जाएगा और मेरे पर्सनल वाले पे भी मिल जाएगा तो आप लोग उन टेलीग्राम्स को ज्वाइन कर लेना ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसकी ठीक है तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड इसकी कर सकते हैं चलो अब जरा कर लें एफ तो ये सिक्सटी है फिर एट्टी है और यहाँ पे वन है चलो पहले तो 60 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो 2 से डिवाइड करा 30 आया 2 से डिवाइड करा 15 आया थ्री से डिवाइड करा फाइव आया फिर फाइव से डिवाइड करा वन हो गया तो ये कितना होगा सिक्सटी टू का स्क्वायर इंटू थ्री इंटू फाइव एट्टी फोर के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो टू से आया फोर्टी टू फिर टू से आया ट्वेंटी वन फिर थ्री और सेवन तो ये आ गया टू का स्क्वायर इंटू थ्री इंटू सेवन वन जीरो एट का करें तो थ्री से जाएगा थ्री थ्री या नाइन थ्री सिक्स एटीन फिर थ्री से जाएगा तो ट्वेल्व अच्छा जब टू से भी जा रहा था चलो कोई बात नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था टू से सिक्स आएगा फिर टू से थ्री और फिर थ्री से वन हो जाएगा तो ये फाइनली है टू का स्क्वायर और थ्री की पावर थ्री तो फाइनली ये इतना आया इसको मैं हटा देता हूं पेपर में ये फेयर वर्क होता है तो आप इसको लिख प्राइम फैक्टराइजेशन को भी करके दिखाओ मतलब मैं तो अभी स्पेस के चक्कर में हटा दे रहा हूं पेपर में आप वो भी लिखा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अगर मैं इसमें एस की बात करूं आपसे एससीएफ तो में क्या आएगा एक तो आपको सब में टू दिख रहा है क्या दिख रहा है सब में टू दिख रहा है ना और कितना मिनिमम दिख रहा है सब में टू है है की पावर टू. और थ्री सब में दिख रहा ना लेकिन थ्री की पावर बताया था ना में छोटी पावर ठीक है छोटी पावर तो भाई यहां से थ्री इंटू फोर क्या ट्वेल्व आ गया तो एस एफ ट्वेल्व आया तो ये SCF क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि जो पार्टिसिपेंट आपको चाहिए थे सेम हर रूम में सेम पार्टिसिपेंट

तो पांच रूम चाहिए होंगे इंग्लिश के लिए कितने रूम चाहिए होंगे एट्टी फोर अपॉइंट सेवन ट्वेल्व सेवन और मैथमेटिक्स के लिए रूम कितने चाहिए होंगे यानी तो अगर टोटल रूम्स की बात करें, अगर हम टोटल रूम्स की अगर आपसे बात करें तो कितना हो जाएगा फाइव प्लस का सेवन प्लस का नाइन तो क्या ये ट्वेंटी वन आ जाएगा तो इसका आंसर होगा ट्वेंटी वन समझ में बढ़िया समझ में आ गया तो ये है इसका कॉन्सेप्ट कि हमने सबके रूम पता कर लिए टोटल रूम समय मिल गया आया समझ में बढ़िया से ठीक है चलो बहुत बढ़िया बात है अगर समझ में आ गए अगर कहीं भी थोड़ी दिक्कत आई तो फिर से देख लोगे ना बढ़िया से क्लियर हो जाएगा तुम्हें ठीक है चलो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे अब तुम्हें एससीएफ एलसीएम ना ठीक है तो देखो क्या लिखा है इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ टू नंबर इज फोर्टीन टाइम्स ऑफ दियर एससीएफ सम ऑफ एलसीएम एंड एस सी एफ इज सिक्स हंड्रेड इफ वन नंबर इज टू द अदर नंबर यह तुम्हारे वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है एस सी एफ इन टू एल सी एम इजक्टल ठीक है तो आपसे बोला गया एल सी एम है जो दो नंबर का वो फोर्टीन तो टाइमसीट कर, कर लू कि भैया मैंने एस सी एफ को एक्स मान लिया क्या मान लिया हमने लेट कर लिया कि हमारा एस सी एफ जो है वो एक्स है तो एलसीएम कितना हो जाएगा इस केस में अगर आपने एचसीएफ को एचसीएफ को अगर x लिया है तो एलसीएम हो जाएगा 14 टाइम्स ऑफ देयर एससीएफ क्या एलसीएम 14x हो जाएगा अगर एससीएफ x है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14x अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है सम ऑफ एलसीएम एंड एससीएफ इज 600 यानी एलसीएम और एससीएफ का जो सम है वो किसके बराबर है ंड्रेड के बराबर है समझ रहे है बात को समझ रहे बराबर यानी अगर एस सी एफ एक्स है और क्वेश्चन बोला था एलसीएम ऑफ टू नंबर एल सी एम ऑफ टू कर दिया फिर बोला है एलसीएम और एस सी एफ का जो सम है वो सिक्स हंड्रेड है तो चलो एलसीएम और एस सी एफ पुट कर देते हैं और एक्स निकाल लेते हैं तो एलसीएम है फोर्टीन एक्स एस सी एफ है आपका एक्स सिक्स हंड्रेड तो ये 15x 600 तो x हो गया 600 15 तो क्या ये 40 आ जाएगा x x कितना आ गया 40 के बराबर अब इस x की वैल्यू को यहां और यहां पुट कर दीजिए तो एचसीएफ कितना आ जाएगा x को 40 पुट कर दिया एलसीएम कितना आ जाएगा 14 14x है तो 14 का मल्टीप्लाई x में यानी 40 तो 14 4 56 सिक्स यानी फाइव सिक्सटी आ गया तो भैया हमने एस सी एफ और एल सी एम तो गिवन कंडीशन से निकाल लिए अब तुम्हें एक फॉर्मूला बताया गया था एस सी एफ इन टू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ठीक है तो एस सी एफ आपका फोर्टी है एलसीएम आपका फाइव सिक्सटी है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हम ए टू बी भी लिख देते हैं कि हमने दो नंबर है ना तो एक नंबर ए मान लिया और एक नंबर मान लिया तो नंबर यानी एक नंबर तो आपको दे रखा है ना टू एट्टी अब दूसरा नंबर आपको बताना है चलो सॉल्व कर लेते हैं तो 280 एट्टी यहां डिवाइड में आ जाएगा तो b फाइनली कितना आएगा 40 इंटू फाइव सिक्सटी अपॉन टू जीरो से जीरो कट गया है, वो 80 आ जाएगा। में बढ़िया? इस तरीके से करना है तो ये क्वेश्चन हमारा एस सी एफ एल सी एम बेस्ड है इस पर कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो आप समझ में आ गया हो कैसे करोगे ठीक है तो ये हो ही गया बस तो रियल नंबर में इतना है अब बात करते हैं पॉलीमर्स की उससे पहले मैं आपको बता दूं एक तरक्की बैच चल रहा है क्लास टेंथ के लिए जो बच्चे चाहते हैं सर ऐसा कंटेंट मुझे बढ़िया से पढ़ाई करनी है आपके साथ टू कनेक्शन मेंटरशिप चाहिए आप मुझे गाइड करो पूरे क्लास टेंथ में कैसे क्या, क्या क्या पढ़ना है पूरा अगर आप चाहते बैच है है जिसमें आपको सर पढ़ाएंगे ठीक संतोष सर साइंस पढ़ा रहे हैं और बहुत कमाल के सारे टीचर्स हैं कृति मैम इंग्लिश और अगर आपको मैथ अभी तक अच्छा लगा तो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा ठीक है चलो ठीक है दूसरा अभी अगर आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी ये प्राइस जो है थ्री थाउजेंड एक महीने का नहीं है पूरे कोर्स का है यानी पूरे साल का आराम से पूरा कोर्स होगा तुम्हारा ठीक है और चारों सब्जेक्ट का है सिर्फ मैथ्स का नहीं है तो प्यार करते हो तो लव ए फोर एस ठीक है एल ए फोर एस यूज करिए ठीक है और इससे आज अगर आप लेते हो तो इसकी कॉस्ट टू टू फाइव जीरो के आसपास पड़ेगी बाईस सौ या तेईस सौ रुपए के आसपास पड़ेगी ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी आप जाओ और इनरोल कर सकते हो यानी इसकी कॉस्ट छह रुपए से भी कम है एक सब्जेक्ट की और पूरे सहल की तुम्हारो? तो, आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हो अगर आप कर सकते हो बाकी यहां तो सेशन चल रहे हैं लेकिन आप अगर पर्सनली अच्छी चीजें करना चाहते हो तो वो सारी चीजें एक होता है अकेडमी प्लस ठीक है अब यहां पे जो प्राइस अभी आपको दिख रहा है वो ग्यारह हजार दिख रहा है बारह महीने के लिए ठीक है अगर आज आप लेते हो और अगर आप इसको 30 अप्रैल के बाद देखते हो तो ये प्राइस आपको देखिएगा 16000 के आसपास अब जैसी मैं ये बात बोलता हूं बच्चे कंफ्यूज सर इधर आप बोल रहे हो 2000 के आसपास ठीक है कोर्स मिल जाएगा यहां आप 11000 हजार घोटाला करवा रहे हो सर हमारा ठीक है बेटा ऐसा है अन तरीके से काम करता है एक है ये बैच मतलब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो तरक्की बैच होगा आप सिर्फ इसी को एक्सेस कर सकते हो इसी में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो

ये सर रियल नंबर करवा रहे चलो ट्रिग्नोमेट्री भी बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं ठीक है मालूम अभी रियल नंबर करवा रहा हूँ फॉर एक्जाम्पल कोई दूसरे सर है वो मालूम ट्रिग्नोम मैंने ट्रिग्नोमेट्री करना है तो तुम रुकोगे नहीं तो उस केस में आप प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है सारे एक्सेस हो जाती हैं मतलब प्लेटफॉर्म पे नाइन टेंथ का जो भी कंटेंट है तुम एक्सेस कर सकते हो बात समझ में आ गई ये होता है प्लस सब्सक्रिप्शन आई होप आपको चीज क्लियर होगी ये उसका प्राइस है तो ये बाद में इंक्रीज हो जाएगा तो इसलिए आप इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप कभी भी कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लगाना है, ल, ए, अगर आप प्यार करते, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस कोड का यूज करें और जैसे ही आप करते हैं तो मुझे आप बता देना ठीक है कहां बताओगे जब आप इस तरक्की बैच में आ जाओगे ना तो वहां पर आपका एक में ग्रुप होगा उसमें आपको पता लग जाएगा मुझे आप बता देना सर मैंने आपका कोड यूज किया और नहीं तो नहीं भी बताओगे कोई बात नहीं कर दिया तो पता तो लग ही जाता है ठीक है चलो सारी में आ गई तो अभी आज अगर आप ले सकते हो आप लग रहा है पढ़, पढ़ना अच्छे से तो आप आज ही ज्वाइन कर लें ठीक है अच्छा अब सीधी बात है आपने मेरा कोड यूज कर लिया आपने मुझे सपोर्ट किया आपको कंटेंट अच्छा लगा तो मेरा भी फर्ज है आपको कुछ देने का तो आपको फ्री में जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं तरक्की बैच में जो हैं उनको मेरे तरफ से एक बुक मिलेगी ए फोर एस एक्सक्लूसिव बुक जिसमें 2000 प्लस क्वेश्चन होंगे उसमें एमसीक्यू भी कवर होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे उसमें पी वाई भी होगा सब कुछ कवर होगा तो इतना बढ़िया है आपके लिए ठीक है तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं चलो आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं पॉलिनी के टॉप ट्वेंट क्वेश्चन जो स्कूल में पूछे जा सकते हैं चलिए पहला क्वेश्चन क्या है वन जीरो माइनस थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ के मतलब एक पोरिन के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वा के एक्स प्लस का वन ये आपको दे रखा है k अगर कोई भी जीरो दिया होता है यानी वो x की वैल्यू होती है जीरो का मतलब क्या होता है अगर कोई बोले जीरो बताओ जीरो का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिस पे पोलिनोमिल की वैल्यू जीरो हो जाए भाई समझ रहे बात को यानी एक्स की वो वैल्यू जिस पे पोलिनोम की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए तो यानी कि माइनस थ्री अगर एक्स है तो एक्स को माइनस थ्री यहां पुट कर दो तो के माइनस वन यहां पर एक्स को माइनस थ्री पुट कर दो के इंटू माइनस थ्री प्लस का वन जैसे ही अगर आप एक्स को पुट करते हो तो इस पोलिनोम का जो रिजल्ट है वो जीरो के बराबर हो जाता है कि नाइन्थ में भी क्वेश्चन होते थे ऐसे नहीं पता तो कोई बात नहीं मैं फिर से बता दूं जीरो का मतलब होता है एक्स की वैल्यू जिस पे पोरिनिमिल जीरो हो जाए तो हमने जैसे ही एक्स को पुट करा तो रिजल्ट को जीरो कर दिया ठीक है अब सिंप्लीफाई कर लो बस तो के माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और माइनस थ्री के हो जाएगा माइनस का थ्री के प्लस का वन बराबर जीरो नाइन का अंदर मल्टीप्लाई करो तो नाइन के माइनस का नाइन माइनस का थ्री के प्लस का वन बराबर जीरो थ्री सिक्स के आ जाएगा और माइनस का नाइन प्लस का वन माइनस का एट बराबर जीरो आ जाएगा के इज इक्वल टू एट बाई सिक्स आ जाएगा के इज इक्वल टू आ जाएगा फोर बाई थ्री टू से कैंसिल कर लो तो क्या आंसर ए पार्ट आ गया समझ में आया फिर से देख लो माइनस थ्री पुट करा तो थ्री का स्क्वायर नाइन हुआ तो नाइन के माइनस नाइन ये माइनस का थ्री के प्लस वन तो ये माइनस एट हुआ ये सिक्स के है एट अपॉन सिक्स टू से कैंसिल करा फोर और ये थ्री तो फोर बाई थ्री तो इस तरीके से ही पहला क्वेश्चन हो गया नोट कर लो स्क्रीन शॉट ले लो जैसा आपको सही लगे मेरे अकॉर्डिंग तो नोट करा करो ज्यादा बढ़िया कई बार हम स्क्रीन शॉट लेकर के रख लेते हैं बाद में खुद ही भूल जाते हैं कि क्या कहां था ठीक है चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इफ वन जीरो माइनस थ्री तो अभी जो जीरोस का क्वेश्चन किया उसमें मैंने क्या जीरो बताया था कि जो जीरोस होते हैं वो एक्स की वैल्यू होती है तो अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इन टू एक्स प्लस का अगर ये आपकी है क्या है पॉलिनी प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस का बी तो अगर यहां पर एक्स किलू पुट करोगे पहले टू पुट कर दोगे फिर माइनस थ्री पुट कर दोगे ठीक है मतलब पहले आपने टू पुट करा जैसे ये टू है ना इस टू को यहां पुट कर दिया और रिजल्ट जीरो के बराबर कर दिए जैसे मैं करके दिखा देता हूं जैसे मैंने पहले टू लिखा ना तो हमने एक्स की टू रख दी तो टू का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू टू प्लस का बी बराबर जीरो अभी तो सिखाया ना जीरो क्या होता है एक्स की वैल्यू जिसपे पोलियोमल जीरो हो जाए तो ये कितना आ जाएगा फोर प्लस टू का मल्टीप्लाई करो तो टू ए प्लस टू प्लस का बी बराबर जीरो तो यहां से आ जाएगा टू ए प्लस बी फोर प्लस टू सिक्स होगा राइट साइड में कर दिया तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गई ठीक है अब क्या है माइनस थ्री भी इसका जीरो है चलो इसका माइनस थ्री भी जीरो है तो माइनस थ्री पुट कर दो तो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू माइनस थ्री और प्लस का बी और इसको भी जीरो के बराबर कर दो यहां से भी एक कंडीशन आ जाएगी और ए भी निकल जाएगा लेकिन अभी मैं एक और मेथड बताऊंगा वो ज्यादा आसान रहेगा लेकिन चलो इससे कर लेते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो नाइन माइनस का थ्री ए माइनस का थ्री प्लस का बी बराबर जीरो आ जाएगा माइनस का थ्री ए प्लस बी नाइन माइनस थ्री सिक्स होगा उधर जाएगा तो ये माइनस सिक्स बन जाएगा सेकंड कंडीशन अब इस सेकंड कंडीशन को इसके नीचे लिख लो ठीक है अब देखो दोनों प्लस बी प्लस बी है अगर आपने थर्ड चैप्टर कर रखा है लीनियर इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता होगा नहीं आता तो अभी इसको रुक जाओ मतलब फिर कभी आ, मतलब जब लीनियर इक्वेशन कर लोगे समझ में आ जाएगा कैसे इक्वेशन सॉल्व हो रही है लेकिन अभी मैं एक और मेथड बताऊंगा उसमें आर, आराम से कर पाओगे फिलहाल क्या होगा दोनों सेम साइन है तो आपको सबस्ट्रैक्ट करना होगा जिसकी वजह से ये प्लस बन जाएगा ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा सबस्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं प्लस बी माइनस बी कट गया टू ए प्लस का थ्री ए फाइव ए हो गया ये तो कट चुका है ये प्लस का सिक्स है और ये माइनस का सिक्स तो एक्वल टू जीरो जीरो आ गया तो ए की वैल्यू तो जीरो आ गई अब बी कैसे आएगा किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू रख दो तो हमारे पास टू ए प्लस बी माइनस सिक्स के बराबर है तो टू इंटू ए की वैल्यू अगर जीरो रख दी तो ये तो जीरो हो गया तो बी बराबर आ जाएगा माइनस का सिक्स जो कि यहां पे डी पार्ट में दिख रहा है ये इसका आंसर हो गया डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा तो ये तो हो गया एक आ, इस तरीके से ये थोड़ा लेंदी मेथड है लेकिन अगर आपको पता है लॉजिक तो आप इस वाले मेथड को भी चूज कर सकते हो इस तरीके से कर लिया हमने दूसरा तरीका क्या है वो थोड़ा तो आसान है कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस का बी ऐसा दे रखा है अब आपसे बोला इसके जीरोस टू एंड माइनस थ्री है आपको ये भी तो सिखाया गया जो जीरो वो अल्फा और बीटा होते हैं तो जो दो जीरो माइनस थ्री तो यानी अल्फा टू हो गया बीटा माइनस थ्री हो गया समझ रहे हो अल्फा टू हो गया और बीटा माइनस थ्री हो गया अच्छा जी अब लगा दो अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा आपको याद हो वो होता है माइनस का बी अपॉन ए बी क्या होता है एक्स का कोफिशियंट अपॉन ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ठीक है अल्फा की वैल्यू टू है बीटा की वैल्यू माइनस थ्री है माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए माइनस का वन टू प्लस माइनस माइनस थ्री इजक्वल टू माइनस ए माइनस वन तो माइनस वन इजक्वल टू माइनस ए माइनस का वन तो माइनस का वन ये इधर आ जाएगा प्लस का वन हो जाएगा बराबर माइनस का ए जीरो इक्वल टू माइनस ए तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे फाइनली ए जीरो ही आएगा कितना आ गया आगे देखो इसमें भी जीरो पहले भी जीरो आ रहा था अच्छा अब लगा दो अल्फा इन बीटा जो कि होता था सी अपॉन ए यानी एक्स के बाद जो लिखा होता है वो कॉन्स्टेंट यानी बी आएगा अपॉन यानी वन और अल्फा है टू और बीटा है माइनस थ्री तो देखो बी माइनस सिक्स के बराबर आ गया तो यही तो था डी पार्ट तो ये थोड़ा सा आसान है कंपेयर टू प्रीवियस वन ठीक है तो आप इस मेथड का यूज करके भी ए बी फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट करें अब ये देखो समझने वाला क्वेश्चन आ गया द जीरो ऑफ पॉल्यूमिल आर मतलब जीरो कैसे होंगे भाई क्वार्टिक है दो जीरोस होंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा या दोनों इक्वल होंगे आपके पास है एक्स स्क्वाइंटी नाइन एक्स प्लस का वन ट्वेंटी सेवन ऐसा दे रखा है तो आपको पता है हमारे पॉलिमल के दो जीरो से मान लो अल्फा और बीटा तो अल्फा बीटा अगर जीरो से हैं, तो हमें दो कंडीशन पता है एक होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस का बी अपन तो बी होता है एक्स का कोफिशियंट यानी नाइनटी नाइन और एक्स स्क्शन वन है तो यहां से अल्फा प्लस बीटा गया नाइन माइनस का ठीक है चलो अगर अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा तो बीटा आ गया 127। तो हमारे पास दो कंडीशन आ रही है एक ये और एक ये एक ये। अब आपको अल्फा बीटा के बारे में सोचना है आप बताओ अगर दो नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई पॉजिटिव है रिजल्ट क्या है पॉजिटिव तो यह तो दोनों प्लस हो सकते हैं यह दोनों माइनस हो सकते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक माइनस और एक प्लस है क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई तो माइनस आता है ना ये तो प्लस है हा माइनस थ्री इंटू माइनस टू यह प्लस तो हो जाता है तो यह तो दोनों माइनस होंगे यह दोनों प्लस तो इस वाली कंडीशन से पता लगता है कि दोनों या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ठीक है ये बात समझ में आ गई चल इस वाली कंडीशन समझते हैं क्या हो सकता है अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लेता हूं ठीक है अब दो नंबर का पॉजिटिव का सम तो पॉजिटिव आता लेकिन इधर का लिखा है माइनस का नाइनटी नाइन हाँ दो नेगेटिव नंबर का सम है जैसे माइनस थ्री माइनस टू क्या वो माइनस फाइव आता है यानी दोनों नंबर अगर नेगेटिव हो तो उनका सम नेगेटिव आता है समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर है ऐसी कौन सी कंडीशन है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है नेगेटिव वाली क्योंकि दो नेगेटिव नंबर को ऐड करने पे नेगेटिव आता है और दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आता है तो रूट्स कैसे होने चाहिए जीरोस कैसे होने चाहिए दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए समझ में आया क्लियर है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ना अगर ऐसा अच्छा क्वेश्चन लगा और ये मेरी मेहनत आपको अच्छा लग रहा है कि यार मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना ठीक है चलो अब आ जाए इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपका बेस्ड है पे, के पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वारेटिक अगर कोई पॉलिमल है तो आपने सीखा होगा में एटमोस्ट दो जीरोस होते होते हैं हैं क्या एटमोस्ट टू जीरोस यानी ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस होते हैं अगर आपने सही से कॉन्सेट जो मैंने तपस्या सीरीज करवाई ना उसमें समझा रखा है ये टू जीरो थ्री जीरो जो भी है समझ लेना अगर नहीं समझाए ज्यादा से ज्यादा दो जीरो होते हैं दो से कम भी हो सकते हैं ठीक है या एक भी जीरो ना हो ये भी हो सकता है तो आपने ये सीखा है एनसीईआरटी में हो पहली एक्सरसाइज कि जीरो होता है कि अगर हमारा कोई कर्व है तो एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करेगा उतने जीरो होते हैं तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम दो जीरो हो सकते हैं दो से कम भी हो सकते हैं ठीक है तो अगर हम जीरो के कॉन्सेप्ट को समझें और इसके हिसाब से बताएं इसके जीरो कितने होंगे ये एक्सिस पे एक भी बार कट नहीं कर रहा है तो एक भी जीरो नहीं होगा ये एक बार कट कर रहा है तो एक जीरो हो जाएगा ये दो बार कट कर रहा है दो जीरो ये तीन बार कट कर रहा है एक दो तीन तीन जीरो होंगे और हमें पता है क्वाड्रेटिक के ज्यादा से ज्यादा दो जीरो तीन तो कभी नहीं होंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा बोला ना कौन सा नहीं होगा तो तीन तो कभी हो तो हो नहीं होंगे दो हो सकते हैं दो से कम भी हो सकते हैं वन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है तो ये ध्यान रखो की कंडीशन होती है फिक्स नहीं होता कि क्वाटिक में दो ही मिलेंगे समझ रहे हो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रूट मिले या एक भी ना मिले ठीक है रियल रूट्स की बात हो रही है नेक्स्ट क्या है लिखा है इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसी प्रोकल ऑफ अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मतलब आपके पास जो पॉर्निमल है वो है ए स्क्वायर प्लस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस का सिक्स ए ये हमारी पॉलिनीमल है ठीक है और इसमें बोला है कि एक रू जीरो जो है वो रेसी प्रोकल ऑफ अदर है यानी कि अगर अल्फा अगर अल्फा के बराबर है तो बीटा जो होगा वो वन बाई अल्फा के बराबर होगा मतलब क्या अगर अल्फा अल्फा के बराबर है तो बीटा क्या हो जाएगा वन अपॉन अल्फा के बराबर होगा ये आपको बोला है इस क्वेश्चन में अल्फा अल्फा है बीटा वन बाई अल्फा है अच्छा जी अब जब भी रेसी प्रोकल वाला क्वेश्चन आए ना तो आप अल्फा इंटू बीटा लगाना मतलब अल्फा मिनटू बीटा क्यों ये कट जाते हैं देना करके दिखाता हूं तो अल्फा इंटू बीटा तो हमने पढ़ रखा है होता होता है सी होता है यानी जो कि एक्स के बाद होता है नहीं, सिक्स ए आप जैसे मैं बता रू वैसे ही करो एक्स के बाद जो भी लिखा है और उसमें कोई वेरिएबल नहीं है मतलब वेरिएबल से मतलब एक्स में क्वेश्चन है तो एक्स नहीं है एक्स को छोड़ के मान लो के लिखा हो के ए तो ये भी कांस्टेंट में आएगा कुछ लोग सोचते हैं सर ये तो वेरिएबल है ये कॉन्स्टेंट आप कैसे बोल रहे हो ठीक है हमारी में है तो एक्स को गया, 9 हो गया। अल्फा, अ, अल्फा है बीटा वन बाई अल्फा है तो देखो ये कट गया कि नहीं कट गया सेम है ना कट गया तो ये वन वन बच्चा अपॉन ए स्क्वायर प्लस का नाइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो दोन टू सिक्स का सकते हो या स्क्वायर माइनस का थ्री ए माइनस का थ्री ए प्लस का नाइन बराबर जीरो इन दोनों में ए कॉमन मिलेगा इन दोनों में माइनस थ्री कॉमन मिलेगा तो एक ब्रैकेट में ए माइनस थ्री और दूसरे ब्रैकेट में भी ए माइनस थ्री आएगा बराबर जीरो तो एक बार इसको जीरो कर दो एक बार इसको जीरो कर दो तो ए थ्री तो मिल जाएगा दूसरा फैक्टर भी सेम ही है तो वहां से भी ए थ्री आएगा तो अल्टीमेट हमारा आंसर क्या आ गया ए बराबर थ्री समझ में आया क्लियर है पक्का चलो नेक्स्ट करते हैं फिर पक्का है तो नेक्स्ट देखो क्या है क्स्ट वन जीरो ऑफ दिस क्वार्टिक पॉर्निमेल इज एन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन अपोजिट साइन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सम ऑफ जीरोस लगाना है तो दो टाइप का क्वेश्चन एक सम सम ऑफ 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 जीरोस 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 एंड प्रोडक्ट में सॉरी एक क्वेश्चन होता है जो बेस्ड होता है सम ऑफ जीरोस पे उसमें यही लिखा होता है अपोजिट साइन और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे होता है वो रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन होता है जो अभी पिछला वाला करा ठीक है चलो देखते हैं पहले क्या क्या दे रखा है और पहले तो आपको एक क्वारिटिक दे रखी है फोर एक्स स्क्वायर माइनस का एट के एक्स माइनस का नाइन ये आपके पास क्वार्टिक है और क्या बोला है एक जीरो जो है इस क्वार्टिक पॉर्निमल का इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अगर एक टू है तो ये भी टू है ये मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको अपोजिट साइन का मतलब ये है कि अगर एक टू है तो एक माइनस टू है ये बोल रहा है इसमें ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जीरो अल्फा है अल्फा अल्फा के बराबर है तो बीटा जो है वो माइनस अल्फा के बराबर है मतलब हम हमेशा से दो ही जीरो लेते हैं एक अल्फा और एक बीटा तो अल्फा अगर अल्फा के बराबर है तो बीटा जो है वो माइनस अल्फा के बराबर होता है मतलब इसमें है फिलहाल तो अगर मैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा लगा दूं जो कि माइनस का बी अपॉन ए होता है तो माइनस बी क्या होता है एक्स के कोफिशियंट को बोलते हैं बी यानी एक्स के बगल में जो लिखा है कितना है माइनस का एट के ए क्या होता है एक्स स्क्वायर काफिशियंट अल्फा अल्फा है बीटा यहां पे माइनस अल्फा है तो अल्फा माइनस अल्फाइज टू माइनस माइनस एट के अपॉन फोर आ जाएगा तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो गया और ये टू के हो गया तो जीरो अपॉन टू स्क्वल टू के तो क्या यहां से के, के लू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी समझ में आया के यहां पे क्या आ गया जीरो आ गया आई होप आपको समझ में आ गया हो ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ दिस द्वारिक पॉलिमल दिस फाइंड एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू फोर्टी द वैल्यू ऑफ ए मतलब आपके पास जो क्वार्टिक है वो है वाई स्क्वायर माइनस का एट वाई प्लस का ए दिस इज क्वार और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है फोर्टी और ए की वैल्यू बतानी है ठीक तो है तो आपको पता ही अल्फा बीटा का क्वेश्चन है सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस का बी अपॉन ए तो बी क्या है वाई का कोफिशियंट माइनस एट अपॉन ए यहां पे वन है तो ये एट आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा वाई के बाद जो लिखा है ये कॉन्स्टेंट राम ए अपॉन वन क्योंकि सी अपॉन ए होता है ना तो ये ए आ गया तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया अल्फा इंटू तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा इजल्टी अच्छा अगर तुम भूल जाओ तो मैं तुम्हें तो तरीका कैसे आया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी यही तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इसी से आ गया कैसे अगर तुम्हें ये फाइंड आउट करना है तो ये कहां जाएगा इधर तो बन गया देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा तो ये याद रखो अगर भूल जाओ तो इस तरीके से रिकॉल कर सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू है ठीक है चलो अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्सट्यूट करनी है आंसर तो अल्फा प्लस बीटा कितना है एट तो एट का स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा कितना है ए बराबर फोर्टी तो एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर माइनस का टू एजल टू फोर्टी तो सिक्सटी फोर माइनस का फोर्टी इज्कवल टू टू ए माइनस का टू ए इस साइड आ जाएगा तो प्लस का टू ए हो जाएगा तो ये ट्वेंटी फोर इक्वल टू टू ए आ जाएगा टू से ये काट दो ट्वेल्व ट्वेल्व इक्वल टू ए बन जाएगा तो ए कितना आ गया ट्वेल्व के बराबर आ गया तो यहां पे मेनली हमें क्या सीखने को मिला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो आइडेंटिटी वो क्या बन जाती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा अब देखो नेक्स्ट क्या है वन जीरो ऑफ दिस इज सेवन टाइम्स ऑफ अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें के वैल्यू निकालनी है हमारे पास पॉर्निमल है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स प्लस का टू के प्लस वन और इसमें ये बोला कि एक जीरो जो है वो सेवन टाइम्स ऑफ अदर है यानी अगर अल्फा अगर अल्फा के बराबर है तो बीटा यहां पे सेवन अल्फा के बराबर है अगर यहां पे अल्फा अल्फा के बराबर है तो जो बीटा है वो सेवन अल्फा के बराबर है ये इस क्वेश्चन में दे रखा है आई बात समझ में अल्फा अल्फा है तो बीटा कितना है सेवन अल्फा के बराबर ये चीज आपसे बोली गई इस क्वेश्चन में ठीक है मजा आ रहा है समझ में आ रहा है सारी चीजें बहुत बढ़िया अल्फा अगर अल्फा के बराबर है तो बीटा है सेवन अल्फा के बराबर तो अगर यहां पर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा अप्लाई करूं जो कि होता है माइनस का बी अपॉन ए बी अपॉन ए से ज्यादा याद ये रखो बी है क्या एक्स का कोफिशियंट तो एक्स का कोफिशियंट यहां पे क्या है माइनस एट और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट अल्फा अल्फा है बीटा सेवन अल्फा है एट बाई थ्री तो एट अल्फाइज टू एट बाई थ्री एट से एट कट गया कटने के बाद जीरो नहीं होता है वन आता है ठीक है तो अल्फा आ गया वन बाई थ्री कितना आ गया वन बाई थ्री आ गया अब लगा दो अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए सी कितना होता है आप देखो सी में कंफ्यूजन होती है मैं कहता हूं एक्स के बाद जो लिखा है अगर उसमें एक्स तो होगा नहीं तो ये कांस्टेंट टर्म पूरा माना जाता है, ठीक है? तो 2k plus one पूरा कांस्टेंट टर्म अपॉन a, a यहां पे three, अल्फा अल्फा है, बीटा seven अल्फा है, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये seven अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 2k plus one अपॉन three, seven अल्फा के लिए हमने निकाल लिए यहां पे one by three का स्क्वायर, तो 2k plus one अपॉन तो सेवन इंटू वन बाई नाइन हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन टू के प्लस वन अपॉन थ्री 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 जा नाइन तो ये सेवन अपॉन थ्री इजल टू टू के प्लस का वन अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सेवन का मल्ट इजल टू थ्री टाइम्स टू के प्लस वन सेवन इजल टू थ्री टू या सिक्स सिक्स के प्लस थ्री सेवन में थ्री माइनस कर दो इक्वल टू सिक्स के फोर इजल टू सिक्स के तो फोर अपॉन सिक्स इज्कल टू के तो क्या टू बाई थ्री बराबर के आ जाएगा क्या के बराबर तो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अल्फा बीटा अगर जीरो से स्क्वाटिक पॉर्निमल के और हमें यह प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो जो पॉलिमल दे रखा है उसको लिख लो टी स्क्वायर है माइनस का पी ब्रैकेट में है प्लस का वन माइनस का सी ये आपको दे रखा है इस क्वारी को पहले तो सिंप्लीफाई करो क्योंकि टी का टर्म ब्रैकेट के अंदर में आ रहा है तो टी माइनस का पी माइनस का सी अब अगर अल्फा बीटा इसके जीरो से हैं, तो सबसे पहला काम करो कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए बराबर माइनस बी क्या है बी है टी का कोफिशियंट कितना माइनस का पी अपॉन ए क्या होता है टी स्क्वायर का कोफिशंट वन तो क्या वो पी आ जाएगा याद रखो जिस तरीके बोल रहा हूं बी जो होता है वो एक्स का कोफिशियंट होता है यहां पर टी पे क्वालिटिक है तो टी का कोफिशियंट अल्फा इन बीटा सी अपॉन ए जैसे मैं बोलता हूं सी कॉन्स्टेंट रम एक्स के बाद जो है यहां पे टी के बाद जो है तो टी के बाद है पूरा माइनस पी माइनस सी अपॉन ए क्या है वन तो ये आ गया माइनस का पी माइनस का सी आगे समझे चलो अब एल एच एस लेते हैं और ये प्रूफ करते हैं एल एच एस एल एच एस है अल्फा प्लस वन मल्टीप्लाई बीटा प्लस वन अब करो मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा वन टू वन अल्फा बीटा इंटू वन बीटा प्लस का वन तो अल्फा इंटू बीटा के लू माइनस का पी माइनस का सी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी ये देखो और प्लस का वन तो पी से पी कट गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो माइनस का सी प्लस वन इसको वन माइनस सी लिख सकते हो तो देखो आ गया प्रूफ हैं भाई एल एच एस बराबर आरएचएस हो गया हो ना तो इस तरीके से इस क्वेश्चन कर लिया समझ में आ रहा है सबको और अभी तक तो इतनी मेहनत के बाद में भी वीडियो लाइक नहीं हुआ ना तो यार लाइक कर देना यार ठीक है चल लास्ट है? हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है देखो जरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें आपको देखो जो हमें एक दे है, क्या दे फिर माइनस का पी एक्स और ये है प्लस का क्यू और अल्फा बीटा जीरो से, देखो, कुछ भी फाइंड आउट करना हो कुछ भी प्रूफ करना हो पहले दो काम जरूर कर लो कि अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी है तो माइनस बी एक्स का कोफिशियंट यानी माइनस पी और एक्स स्क्वायर कोफिशियंट वन है तो ये पी हो गया अल्फा इंटू बीटा सी होता है सी यहाँ पे क्यू है और ये वन तो ये क्यू हो गया तो भैया अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया अल्फा इंटू बीटा अलग से लिख भी लो कि अल्फा प्लस बीटा हमारा पी आ गया है और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्यू आ गया है चलो अब यहां पे जो एल वाला पार्ट है वो क्या है LH's में है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर यही तो है तो अगर फ्रैक्शन में है तो LCM लेना पड़ेगा तो बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर तो ये इधर पहुंच जाएगा अल्फा की पावर फोर और ये इधर पहुंच जाएगा बीटा की पावर फोर ठीक है तो अभी तुमने एक फॉर्मूला सीखा था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या सीखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा सीखा था ना तो अगर मैं पावर फोर का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहूं तो क्या करूं इसमें जो अल्फा है ना उसको अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस कर दो जो बीटा है ना वो बीटा स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो अगर अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर रखोगे तो ये बन जाएगा अल्फा की पावर फोर ये बन जाएगा बीटा की पावर फोर बराबर अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर रख दो अल्फा तो स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा बताओ जरा अगर आपने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया पिछला वाला या याद हो गया अभी तक अभी तक आपको याद हो गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा तो अगर हम अल्फा को थोड़ी देर के लिए मान लें अल्फा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर है बीटा तो यहां पे जब अल्फा को अल्फा स्क्वायर रखोगे तो टू पहले से है तो वो फोर बन जाएगा ये भी फोर बन जाएगा यहां अल्फा स्क्वायर यहां बीटा स्क्वायर और ये टू अल्फा स्क्वायर ये बीटा स्क्वायर आ जाएगा तो कि नहीं आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई तुम्हारी ठीक है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे पहले से पता ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा ये पहले से पता है और ये माइनस का टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है अब आप कहोगे सर ऐसा कर क्यों रहे हैं बेटा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पावर फोर में तो हमें कुछ वैल्यू पता नहीं है हमें तो अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है तो अब देखो ये पूरा आ चुका है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा बीटा और ये पावर जो टू है वो रहेगी तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है पी तो ये पी का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा टू अल्फा बीटा कितना है क्यू टू क्यू का स्क्वायर माइनस का टू ये अल्फा स्क्वायर स्क्वायर बीटा क्या होता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो ये का स्क्वायर आ जाएगा तो फाइनली ये रिजल्ट आ गया फाइनली तुम्हारा ये रिजल्ट आ गया ऊपर वाला अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर ये रिजल्ट आपको मिल गया है समझ में आई बात क्या आपको ये बात समझ में आ गई पक्का अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो जरा समझ आगे कर लेते हैं सॉल्व अब आगे सॉल्व करते हैं देखो तो अब आपकी जो वैल्यू आई है ऊपर वाले पार्ट की यह वैल्यू आ चुकी है कितनी पी स्क्वायर माइनस टू क्यू का होल स्क्वायर माइनस का टू क्यू स्क्वायर और नीचे क्या है बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो अल्फा बीटा यह तो नीचे आ गया क्यू स्क्वायर ठीक है नीचे आ गया क्यू स्क्वायर बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है आंसर आ जाएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी का स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो फोर क्यू स्क्वायर माइनस का टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर तो ये कितना आएगा देखो पी की पावर फोर टू इंटू टू फोर फोर पी स्क्वायर क्यू और ये फोर क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अब क्यू स्क्वायर से सेपरेट डिवाइड कर दो आपका आंसर आएगा देना पी की पावर फोर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का फोर पी स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस का टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर तो ये आ जाएगा पी की पावर फोर अपॉन क्यू स्क्वायर क्यू कट जाएगा तो ये फोर पी अपॉन क्यू आ जाएगा और ये टू आ जाएगा था और सबसे खतरनाक भी पावर तो फोर हमने कैसे सॉल्व किया है तो अगर स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है तो अल्फा को रिप्लेस कर दिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से और एक आया उसको ठीक है थीके? अगर आपको समझ में आ गया बढ़िया से एक और वीडियो फिर से देख लेना समझ में आ ही जाएगा ठीक है तो आई होप आज के ये क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत अच्छे लगे हों समझ में आए हों ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो अपना ख्याल रखो पढ़ाई करते रहो लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों धन्यवाद